नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन में थोड़ा स्वागत है। मैं हाँ तरनजीत कौर, पहले पेश ने चुनवीं खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया दियां तेल अते गैस कंपनियां दे मुख कार्यकारी अधिकारियों नाल कल वीडियो कॉन्फ्रेंस राही गलबात करेंगे। देशव्यापी कोविड टीकाकरण मुहिम तहत हुण तक 98,67,00,000 तो वध टीके लगाए गए। केंद्र ने सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशों नूं कोविड टीकाकरण की घट्टो घट दर वाले जिलों की पछाण करन नूं कहा तां जो इन्हां जिलों विच टीकाकरण विच तेजी लियांदी जा सके। केंद्र सरकार की मुद्रा योजना लोड़वंद लोगों लिए काफी लाहेवंद बनी। संगरूर जिले विच वख-वख कारोबार करन वाले लाभपात्रियों ने मुद्रा योजना तो लाभ लिया। भगवान महारिषि वाल्मीक प्रगट उत्सव के मौके पर आज पंजाब के वख-वख शहरों में शोभा यात्रावां का आयोजन। नवे वोटरों नूं वोट के अधिकार संबंधी जागरूक करने लिए पटियाला विच स्वीप युवक मेला करवाया गया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया दियां तेल अते गैस कंपनियां दे मुख कार्यकारी अधिकारियां ते माहिरां नाल कल वीडियो कॉन्फ्रेंस राही गलबात करनगे। 2016 तो शुरू हुई गलबात दा इह छेवां गेड़े। दुनिया दे नेता इस खेतर दे प्रमुख मुद्दियां ते विचार वटांदरा करदे ने अते भारत नाल सहयोग ते पूंजीकारी दे संभावित खेतरां दा पता लगाउंदे ने। इस वार दा विशा स्वच्छ विकास अते स्थिरता नूं उत्साहित करना है। भारत की देशव्यापी कोविड टीकाकरण मुहिम बड़ी तेजी नाल अगे वध रही है ते 100 करोड़ के टीचे तो एक कदम की दूरी ते है। हुण तक इस मुहिम तहत 98,67,00,000 तो वध टीके लगाए गए ने। 69,87,00,000 लाभपात्रियों नूं टीके की पहली डोज जबकि 28,72,00,000 लाभपात्रियों नूं दूजी डोज लगाई गई है। सेहत मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटिया 87,00,000 तो वध टीके लगाए गए ने जबकि कोविड-19 के 13,058 नवे मामले सामने आए ने। इसे दौरान केंद्रीय सेहत मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि छेती ही भारत 100 करोड़ कोविड टीकाकरण का टीचा हासिल कर लवेगा। इस दौरान केंद्र ने सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशों नूं कोविड टीकाकरण की घट्टो घट दर वाले जिलों की पछाण करन नूं कहा है तां जो इन्हां जिलों विच टीकाकरण विच पहल दे आधार ते तेजी लियांदी जा सके। केंद्रीय सेहत सकत्तर राजेश भूषण ने सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशों के सेहत सकत्तरां अते राष्ट्रीय सेहत मिशन के डायरैक्टरां नाल इक वीडियो कॉन्फ्रेंस राही कोविड टीकाकरण की रफ्तार की समीक्षा की। उन्हां सूबियां नूं दूजी खुराक देने लई अपनाई जाण वाली रणनीति भी सांझी करन लई कहा है। केंद्र सरकार वल्लों चलाई जा रही मुद्रा योजना लोड़वंद लोगों लई काफी लाहेवंद साबित हो रही है। इस योजना नाल लाभपात्री स्वै रोजगार शुरू करन अते अपने मौजूदा कारोबार विच वाधा करन विच कामयाब होए ने। संगरूर जिले विच वख-वख कारोबार करन वाले लाभपात्रियों ने मुद्रा योजना की तारीफ करदिआं इस नूं उन्हां दा जीवन पद्धर उच्चा करन विच मददगार दस्सिआ। मोबाइल फोन रिपेयर करन वाले दिड़बा मंडी वासी लखविंदर सिंह मुताबिक मुद्रा योजना राही बैंक तों कर्जा लै के कारोबारी अपने कारोबार नूं होर वधा सकदा है। मुद्रा योजना सरकार द्वारा चलाई गई बहुत ही लाभदायक योजना है जिस दे तहत कोई भी दुकानदार वीर अपने कारोबार को बढ़ाने 50,000 तो 10,00,000 तक लोन लैके बड़ी आसानी नाल अपना कारोबार बढ़ा सकता है। तो मैं अपने दुकानदार वीर कहना चाहना भी जे किसी ने भी इस तरह का लाभ लेना है तो वह इस योजना का वध तो वध फायदा उठा। इसी तरह पशु खुराक विक्रेता बलजीत सिंह भी मुद्रा योजना तो बेहद खुश ने। सरकार ने नवी स्कीम खोली है जिसके तहत बेरोजगारों को रोजगार देने वास्ते यानी कि मुद्रा योजना है कि जी 50,000 तो लेके 10,00,000 तक का बिना गरंटी तो लोन दिता जाता है जिसके किसान दुकानदार भाइयों को बहुत ज़्यादा लाभ ने। ट्रैक्टर रिपेयर करने वाले मकैनिक मान सिंह ने कहा कि मुद्रा योजना तहत कर्जे ने उन्होंने कई परेशानियों को दूर किया है। मैं ट्रैक्टरां दी वर्कशॉप का काम करता हाँ जो मेरा आपका निजी काम है जी। जो सरकार की मुद्रा योजना चलाई हुई है जी वो बंदा बिना गरंटी तो लोन ले सकता है कोई भी आपका लाभ उठा सकता है वो बहुत बेनीफिट है। आपका खुद का काम चलाओ योजना का लाभ उठाओ।
फोटोग्राफी का काम करते बलजिंदर सिंह ने मुद्रा योजना नू गेम चेंजर दस्या ते कहा कि भारत सरकार नू अजिहां योजनावां चलाउंदे रहना चाहिए है। अपना फोटोग्राफी का कम है तो जो केंद्र सरकार की मुद्रा योजना है इसके अधीन हर एक दुकानदार अपना दिन गरंटी तो लोन लेके अपना कारोबार बढ़ा सकता है शुरू भी कर सकता है। पंजाब के उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी ने कहा है कि सरकार सूबे के सर्वपक्षी विकास लिए वचनबद्ध है। जलंधर में पत्रकारों नाल गलबात करदे उन्होंने कहा कि लोगों को सहूलत प्रदान करने जी तोड़ यतन किए जा रहे हैं। ओपी सोनी ने कहा कि समाज के हर वर्ग का जीवन पद्धर उच्चा चुकने लिए कोई कसर बाकी नहीं छड़ी जाएगी। आजादी का अमृत महोत्सव नूं समर्पित आजादी का सफर तहत असीं भारत की आजादी विच योगदान पाउण वाले वख-वख मन्ने परमन्ने अते गुमनाम आजादी संग्रामियों के जीवन के पहलुआं तों तुहानूं जाणू करवाउंदे हां। इस तों इलावा आजादी के संघर्ष नाल जुड़ियां होर गतिविधियां बारे भी दसदे हां। अज की कड़ी विच असीं तुहानूं नमक्कल कविगनार के नां नाल प्रसिद्ध वी रामलिंगम पिल्लई अते निर्मला देशपांडे बारे दसांगे। पेश है एक रिपोर्ट। उन्नी अक्तूबर 1888 नूं नमक्कल कवि गनार दे नां नाल प्रसिद्ध वी रामलिंगम पिल्लई दा जन्म तमिलनाडु दे नमक्कल ज़िले दे महनूर विच वेंकट रमन अते अम्मा नियामल दे घर होया सी। उन्हां दे पिता पुलिस विभाग विच नौकरी करदे सन। उन्हां ने 1909 विच त्रिची दे बिशप हेबर कॉलेज तों बीए कीती। शुरू विच उन्हां ने नमक्कल तहसीलदार दे दफ्तर विच एक कलर्क दे रूप विच काम कीता अते बाद विच प्राइमरी स्कूल अध्यापक दे रूप विच सेवावां दित्तियां। वी रामलिंगम पिल्लई ने देशभगती दे जोश नाल लवरेज सैकड़े कवितावां लिखियां। उन्हां ने 1930 विच बरतानवी सरकार दे खिलाफ नमक सत्याग्रह विच वी भाग लिया अते एक साल जेल विच रहे। उन्हां दे नावलां ते गीतां ने तमिलनाडु के नौजवानों को स्वतंत्रता अंदोलन और दुश्मन नाल लड़न के गांधीवादी ढंगों बारे दसिया। प्यार नाल राष्ट्रवादी कवि कहे जाने वाले रामलिंगम पिल्लई ने लिखिया सी, बिना तलवार अते बिना लहू दे एक युद्ध छिड़ा जा रहा है। जो सच की अमृता विच विश्वास रखते ने वह बिना किसी हिचकचाहट के शामिल हो सकते ने। रामलिंगम पिल्लई दे नावल मलाईकलन ते स्वतंत्रता तो बाद एक तमिल फिल्म बनाई गई सी अते जो सुपरहिट हुई अते इसनू सर्वोत्तम फिल्म का राष्ट्रपति तमगा मिलिया सी। इस फिल्म के बाद विच इस फिल्म नू हिंदी विच आज़ाद दे नां नाल बनाया गया। एक भारती अते तमिल होण दे माण ते उन्हां दीआं कवितावां अते खादी ते उन्हां दे छंदां दा अज भी तमिलनाडु विच हवाला दिता जांदा है। उन्हां नू 1971 विच पद्म भूषण नाल सन्मानित किया गया। उन्नीस सौ उन्ती अज दे ही दिन यानी 19 अक्तूबर नू निर्मला देशपांडे दा जन्म नागपुर विच विमला अते पुरशोत्तम यशवंत देशपांडे दे घर होया सी। उन्हां दे पिता नू मराठी अनामिकाची चिंता निका विच उन्हां दे काम लई 1962 विच साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया सी। निर्मला देशपांडे ने नागपुर तो राजनीति विज्ञान विच एमए की सी। उन्होंने पुणे दे फर्गुसन कॉलेज तो भी पढ़ाई की थी। इस तो बाद उन्होंने नागपुर दे मॉरिस कॉलेज विच राजनीति विज्ञान विच लैक्चरर दे रूप विच काम किया। देशपांडे 1952 विच विनोबा भावे दे भूदान अंदोलन विच शामिल होए। उन्होंने गांधी जी दे ग्राम स्वराज दे सुनेहे दे प्रचार लई पूरे भारत विच 40,000 किलोमीटर दी पैदल यात्रा की थी। उन्होंने मन्या कि महात्मा गांधी दे सिद्धांतों की पालना करनी मुश्किल है, पर फिर भी उन्हों का मनना सी कि असलियत विच लोकतंत्री समाज की दिशा विच अगे वधण दा यही इको एक उपाय। पंजाब अते कश्मीर विच जदों हिंसा अपने सिखर ते सी उदों देशपांडे नूं इन्हां सूबिआं विच शांति मार्च की प्रेरणा दे रूप विच जाणिआ जांदा सी। उन्हां ने जून 1983 तों लै के अपनी मौत तक एक इतिहासक संगठन हरिजन सेवक संघ दे मुखी दे रूप विच काम कीता। उह कई समाजिक संगठनां अते इकाइयां नाल भी जुड़े हुए सन। उन्होंने अखिल भारत रचनात्मक समाज की स्थापना की, जिसने 2004 विच राष्ट्रीय संप्रदायक सद्भाव पुरस्कार जितया।
निर्मला देश पांडे दो बार राज्यसभा के नामजद मैंबर रहे। उन्होंने 2005 राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2006 पद्म विभूषण नाल सम्मानित किया गया सी। भगवान महारिषि वाल्मीक प्रगट उत्सव के मौके पर आज पंजाब के वख-वख शहरों में शोभा यात्रावां का आयोजन किया गया। वाल्मीक उत्सव कमेटी जलंधर की अगवाई हेठ जलंधर शहर में शोभा यात्रा दोपहर बाद भगवान वाल्मीक मंदिर तो शुरू हुई। इस विच वड्डी गिनती विच धार्मिक समाजिक सियासी जथेबंदियों के मैंबर शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी, कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत सिंह, हिंद समाचार अखबार समूह के प्रधान संपादक पदम श्री विजय चोपड़ा ने भी इस शोभा यात्रा में शिरकत की थी। इस शोभा यात्रा के समुचे रस्ते को शानदार ढंग से सजाया गया। रस्ते में कई थाई लंगर भी लगाए गए। शोभा यात्रा के चलते जिला पुलिस वालों सुरक्षा के सख्त प्रबंध किए गए। पैगंबर मुहम्मद का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी आज देश के वक् वक् हिस्सों में श्रद्धा नाल मनाया जा रहा है। कोविड दी पाबंदियां दे चलदे ज्यादातर थावां ते आयोजकां ने मिलाद का आयोजन न करन दा फैसला किया। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को मुबारकबाद दी है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने दुनिया लई अमन और खुशहाली और दयालुता और भाईचारक की कामना की। जिला चोन दफ्तर पटियाला वालों आओ लोकतंत्र का जश्न मनाइए सिरलेख हेठ सरकारी कॉलेज ऑफ एजुकेशन विखे इंटर कॉलेज यूथ मेला करवाया गया। जिला स्वीप टीम वालों आर्किटेक्चर एसोसीएशन पटियाला के सहयोग नाल करवाए गए इस मेले का उद्घाटन जिले के उप चोण अफसर और वधीक डिप्टी कमिश्नर गौतम जैन वालों किया गया। विधानसभा चोणों लई लोगों नूं जागरूक करन वास्ते स्वीप टीम वालों इंटर कॉलेज युवक मेला करवाया गया। इस प्रोग्राम विच जिले के 15 कॉलेजां दे 135 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान हुए वख-वख मुकाबलों के जेतुआं नूं सन्मानित किया गया। इस मौके कॉलेज के प्रिंसीपल परमिंदर सिंह, जिला समाजिक सुरक्षा अफसर वरिंदर सिंह टिवाणा और स्वीप के जिला नोडल अफसर गुरबख शीत सिंह भी हाजिर सन। वधीक डिप्टी कमिश्नर गौतम जैन ने कहा कि नौजवानों नूं वोटां पाउण लई उत्साहित किया जाएगा। अज असी इतने वोटर जागरूकता दिवस मना रहे हैं। इस पटियाला के अराउंड 20 कॉलेजेस वालों बच्चों वालों पार्टीसिपेट किया जा रहा है। नैशनल वोटर डे ये प्रोग्राम वोटर जागरूकता भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ताकि आने वाले इलेक्शन के असी सबू इस राइट्स बारे अवेयर कर सकीए तो असी ये पार्टियां इंश्योर कर सकी कि आने वाले इलेक्शन के असी पटियाला डिस्ट्रिक्ट 100% वोटिंग इंश्योर कर सकीए। ये हमेशा साडा रहेगा। तो मैं ये सारे मैसेज थ्रू सारे लोगों को अपील करता हाँ कि आने वाले इलेक्शन के वध तो वध अगे आके अपना वोट। इस दौरान विधानसभा चोणों नूं वेखदिआं मोहाली जिला प्रशासन वालों वोटां दी सरसरी सुधाई दे काम विच तेजी लियांदी जा रही है ते नवीआं वोटां बणाउण लई 1 नवंबर तों विशेष मुहिम शुरू कीती जावेगी। जिला चोण अधिकारी ते डिप्टी कमिश्नर ईशा कालिया ने दस्सिआ कि इह मुहिम 3 नवंबर तक चलाई जावेगी। उन्हां कहा कि 1 जनवरी 2022 नूं जिन्हां नौजवानां दी उमर 18 साल दी हो रही है ओह वी नवीआं वोटां बणवाउण लई फार्म भर सकदे ने। दस्ती फार्म भरन लई जिला प्रशासन पोलिंग स्टेशनां ते विशेष कैंप लगाएगा। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों श्री दरबार साहिब नूं जांदे रस्ते ते घिओ मंडी चौंक नेड़े हंसली वाली जगह ते 1500 कमरियां वाली एक होर आधुनिक सरां दा निर्माण कीता जावेगा। कमेटी दे प्रधान बीबी जगीर कौर ने अमृतसर विच पत्रकारां नूं इह जानकारी दित्ती अते दस्सिया कि इस 5 मंजिला सरां दा निर्माण कारज 1 नवंबर तों शुरू होवेगा। इस दौरान उन्हां श्री दरबार साहिब विखे संगत लई तैयार कीते जोड़ा ते गठड़ी घर नूं संगतां नूं अर्पण कीता। 2020 क्रिकेट वर्ल्ड कप विच कल रात दुबई विखे हुए पहले प्रैक्टिस मैच विच भारत ने इंग्लैंड नूं 7 विकटां नाल हराया। पहला खेडदिया इंग्लैंड ने 5 विकटां ते 188 दौड़ां बनाईआं। भारत ने जित दे टीचे नूं 3 विकट गुआ के 19वें ओवर विच हासिल कर लिया। भारत दा दूजा प्रैक्टिस मैच कल आस्ट्रेलिया नाल होवेगा। खबरां ते बुलेटिन साडे दर्शक RNUDDK जलंधर दे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज अते ट्विटर हैंडल ते वी वेख सकदे ने। तेजी नाल ही खबरों का बुलेटिन इत्थे खत्म हुंदा है। आग्या दिओ, नमस्कार।